हे व्हाट्सअप गाइज, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं फ्रेंड आप लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड आज हम लोग कुछ इस टाइप का एडिटिंग सीखने वाले हैं। आज का एडिटिंग बहुत आसान है फ्रेंड और बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड आज आप लोग को सिखा देंगे फेस को कैसे स्मूथ किया जाता है एंड फुल HD, और फेस को कैसे वन क्लिक में वाइट किया जाता है वो भी स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर, और फुल HD फेस को कैसे स्मूथ किया जाता है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो आज का एडिटिंग बहुत आसान है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड जो हमारा फोटो दिख रहा है वन क्लिक में, इसी तरीके से आप लोग को दिखाएंगे वीडियो में कैसे हम गोरा करते हैं अपने फेस को, और वन क्लिक में बताएंगे फ्रेंड फेस को कैसे फुल HD स्मूथ करते हैं। तो फिर अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं एडिटिंग रिलेटेड से वीडियो डालूँ तब तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फिर जो जो मैं PNG यूज किया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे पासवर्ड डाले हैं, इसलिए फिर अगर पूरा वीडियो वॉच करेंगे तभी आप लोग को पासवर्ड पता चलेगा और PNG आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिर हम लोग को शेयर कर लेना होगा लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। देखिए रहा हमारा लाइट रूम एप्लीकेशन, सबसे पहले आप लोग शेयर कर लीजिएगा लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। जो जो मैं स्टेप यूज करूंगा फ्रेंड स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तभी आप लोग मेरे जैसा एडिटिंग सीख पाएंगे। और आज का एडिटिंग बहुत आसान है फ्रेंड और बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है, क्योंकि फिर वन क्लिक में आप लोग को बता देंगे फेस को कैसे गोरा किया जाता है एंड फेस को कैसे फुल HD स्मूथ किया जाता है वो भी स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपल में देखिए जो हम लोग फोटो शेयर किए रहेंगे उस वाले फोटो पे क्लिक कर देंगे। तो फिर दो हमारा फोटो शेयर हो चुका है, तो एक फोटो को पहले हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, आप लोग को पता चले भाई कि फेक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। देखिए फ्रेंड दो मैं फोटो शेयर किया हूँ लाइटिंग एप्लीकेशन के अंदर, एक तो मेरा प्रीसेट है और एक मेरा फोटो है ओरिजिनल। तो सिंपली आप लोग को प्रीसेट पे क्लिक करके दिखा देते हैं। देखिए ये मैं खुद से प्रीसेट बनाया हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि फिर अगर आप लोग के लिए मैं एडिटिंग आसान बना देता हूँ तो आप लोग अच्छे से एडिटिंग कर पाते हैं, फेस को ये वन क्लिक में गोरा कर पाते हैं और फेस को वन क्लिक में फुल HD स्मूथ कर पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड सेटिंग देख लीजिए, इधर उधर करके एडजस्ट करके मैं प्रीसेट बनाया हूँ। तो सिंपली आप लोग बैक आ जाइएगा, बैक आने बाद जो आप लोग लाइटिंग एप्लीकेशन के अंदर फोटो को शेयर किए हैं उस वाले फोटो पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। देखिए आपको दिखा देते हैं फ्रेंड लाइट पे क्लिक करके, अभी मैं कोई सेटिंग नहीं किया हूँ, अपने फोटो में कोई सा भी टूल्स बढ़ाया नहीं हूँ। ठीक है मेरे भाई, देखिए कोई भी कलर मिक्स कुछ भी नहीं किया हूँ। तो आप लोग को पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा फ्रेंड वन क्लिक में कैसे फेस को गोरा किया जाता है। तो सिंपली आप लोग प्रीसेट पे क्लिक कर दीजिएगा, मेरे प्रीसेट पे जो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जा करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रीसेट पे पासवर्ड लगा के रखा हूँ, अगर आप लोग पूरा वीडियो वॉच करेंगे तभी आप लोग पासवर्ड जान पाएंगे और प्रीसेट को आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली आप लोग को प्रीसेट पे क्लिक कर देना होगा। प्रीसेट पे क्लिक करने बाद देखिए शेयर के बगल में 3 डॉट बिंदु है, उस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने बाद देखिए फिर यहाँ बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए फिर यहाँ हम लोग को कॉपी सेटिंग करना है। देखिए आपको दिखाते हैं, कॉपी सेटिंग लिखा होगा फ्रेंड, सिर्फ आप लोग कॉपी सेटिंग कीजिएगा। तो सिंपली आप लोग कॉपी सेटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा और इस वाले ऑप्शन को देखिए यहाँ से हम लोग सही कर देंगे, टूल्स को भी सही कर देंगे, और देखिए सबसे लास्ट में नीचे ज्योमेट्री उसको भी आप लोग सही कर दीजिएगा। और यहाँ कॉर्नर में देखिए फ्रेंड सही का निशान है, उस पर क्लिक करके आप लोग प्रीसेट को बना लीजिएगा, मतलब कॉपी सेटिंग हो गया ना, सॉरी फ्रेंड सेटिंग कॉर्पोरेट। तो हमारा सेटिंग कॉर्पोरेट हो गया, तो हम लोग का प्रीसेट कॉपी हो गया है। अब हम लोग किसी भी फोटो पे पेस्ट करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक प्रीसेट, अब सॉरी फ्रेंड ऑटोमेटिक प्रीसेट हम लोग का लग जाएगा प्रीसेट फोटो के ऊपर। तो सिंपली आप लोग बैक आ जाइएगा, देखिए जो भी आप लोग लाइटिंग एप्लीकेशन के अंदर फोटो को शेयर किए रहेंगे और लाइटिंग एप्लीकेशन के अंदर कॉपी सेटिंग हमारा कर लेंगे प्रीसेट को, किसी भी फोटो पे आप लोग पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक लग जाएगा, अच्छे से एडिट हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग जिस फोटो को शेयर किए रहेंगे लाइटिंग एप्लीकेशन के अंदर उस वाले फोटो पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने पर फ्रेंड देखिए सिंपली हम लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, शेयर के बगल में 3 डॉट बिंदु होगा, सिंपली आप लोग उसी पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसमें हम लोग कॉपी सेटिंग किए हैं प्रीसेट कॉपी करने में, तो हम लोग को इसमें पेस्ट सेटिंग करना है। देखिए नीचे है पेस्ट सेटिंग, एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं फ्रेंड, पेस्ट सेटिंग करना है। जैसे आप लोग पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग का फेस व्हाइट हो जाएगा मेरे जैसा। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, तो देखिए फ्रेंड है ना कमाल ट्रिक। तो फिर आप लोग के लिए मैं एडिटिंग बहुत ज़्यादा आसान बना देता हूँ, और पूरा वीडियो वॉच कीजिए फ्रेंड तभी आप लोग सीख पाएंगे मेरे जैसा एडिटिंग। तो सिंपल फ्रेंड आप लोग अपने फेस को व्हाइट कर लीजिएगा वन क्लिक में, प्रीसेट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंपल फ्रेंड हम लोग एडिट कर चुके हैं, कोई टूल्स आप लोग को छेड़खानी नहीं करना है, कोई टूल्स आप लोग को मैनेज नहीं करना है, मैं खुद से बहुत अच्छा प्रीसेट बना के रखा हूँ, आप लोग वन क्लिक में पेस्ट करके आप लोग एडिट कर लीजिएगा अपने फोटो को। तो सिंपल फ्रेंड हम लोग एडिट कर चुके हैं लाइटिंग एप्लीकेशन के अंदर, देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो सिंपल फ्रेंड हम लोग फोटो सेव कर लेंगे, शेयर वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे, शेयर वाले आइकन पर क्लिक करने बाद देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपल फ्रेंड हम लोग को सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके हम लोग को अपना फोटो सेव कर लेना है।
तो फ्रेंड फोटो सेव करना हम लोग को शेयर कर लेना स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। पूरा वीडियो आज के जगह फ्रेंड, आज के वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वन क्लिक में बताएंगे फ्रेंड फेस को कैसे फुल एचडी स्मूथ किया जाता है, वो भी स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो फिर आप लोग शेयर कर लीजिएगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को। शेयर करने के बाद सिंपली हम लोग को टूल्स पे क्लिक कर देना है। टूल्स पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग को हीलिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है फ्रेंड। हीलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हीलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, अपने फोटो को जूम कर लीजिएगा। और जो भी आप लोग के फेस पे पिंपल्स होगा एंड काला दाग धब्बा जो भी होगा, तो हीलिंग वाले ऑप्शन से आप लोग अपने फेस के ऊपर से रिमूव कर सकते हैं। जो भी ब्लैक ब्लैक रहता है, काला पिंपल्स जो भी रहता है, ठीक है भाई, जो भी ब्लैक ब्लैक आ जाता है आप लोग हीलिंग वाले ऑप्शन से रिमूव कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड आप लोग क्या करना है, आप लोग को अच्छे से ब्रश को चलाना है अपने फेस के ऊपर, जो भी ब्लैक ब्लैक जहाँ भी रहेगा। देखिए यहाँ ब्लैक है ना, तो अच्छे से आप लोग हीलिंग को चलाइएगा तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। देखिए यहाँ भी ब्लैक है, तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से चलाइएगा हीलिंग को। इतना करने से हम लोग डन कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए अभी हम लोग पिंपल्स को हटा चुके हैं, रिमूव कर चुके हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, बिफोर पहले ज़्यादा पिंपल्स है फ्रेंड, एंड आफ्टर रिमूव हो चुका है, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ फ्रेंड पूरा वीडियो वॉच कीजिए, तभी आप लोग मेरे जैसा एडिटिंग सीख पाएंगे। तो सिंपली फ्रेंड इतना करना, फिर से हम लोग टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। टूल्स वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करने के बाद सिंपली हम लोग को लेंस ब्लर पे क्लिक करना है, ठीक है भाई। लेंस ब्लर पे हम लोग को क्लिक करना है, ताकि लेंस ब्लर से फिर आप लोग को बताएंगे फेस को कैसे फुल एचडी स्मूथ किया जाता है। देखिए फिर लेंस ब्लर, उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। उस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो डबल फिंगर से फ्रेंड प्रेस करके इसको आप लोग छोटा कर लीजिएगा। छोटा करेंगे फ्रेंड तो अभी उतना ज़्यादा छोटा नहीं होगा जितना हम लोग चाहते हैं, ताकि अच्छे से फेस को स्मूथ कर सके। तो इसको आप लोग कॉर्नर में ला करके इसको रख दीजिएगा। और सिंपल फ्रेंड देखिए बिगनेट स्टैंड को आप लोग को जीरो कर देना है, और ट्रांजेक्शन है ना फ्रेंड इसको भी आप लोग को जीरो कर देना है। और देखिए फ्रेंड ब्लर स्टैंड है, अपने फोटो के हिसाब से ब्लर स्टैंड को बढ़ा घटा सकते हैं। तो फिर हम हाई क्वालिटी में नहीं फेस को स्मूथ करेंगे। चलिए फिर हाई क्वालिटी में आप लोग को दिखाते हैं फेस को कैसे फुल स्मूथ किया जाता है, क्योंकि फिर आप लोग को पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो सिंपल फ्रेंड देखिए आप लोग अपने फोटो के हिसाब से कीजिएगा। तो फिर ब्लर स्टैंड जितना आप लोग बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा फुल एचडी हाई क्वालिटी में फेस आप लोग का स्मूथ होगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपल फ्रेंड देखिए हम 50 ही रख रहे हैं, मीडियम में करेंगे फ्रेंड, आप लोग को तभी लगेगा फ्रेंड फुल एचडी स्मूथ हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से करिएगा। तो हम कुछ इस तरीके से प्लस 50 कर रहे हैं फ्रेंड। इतना करें फ्रेंड देखिए यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। डन करने में सिंपल फ्रेंड देखिए थोड़ा सा लोडिंग ले रहा था, हो गया है। सिंपल फ्रेंड इतना करने में फिर से हम लोग को इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है जहाँ मेरा एरो का निशान जा रहा है फ्रेंड, सिर्फ आप लोग वहीं पे फोकस कीजिए। उस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड तो देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग को व्यू एडिट्स पे क्लिक कर देना है। व्यू एडिट्स पे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो देखिए फिर से हम लोग का कुछ तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग को लेंस ब्लर पे क्लिक कर देना है मेरे भाई। लेंस ब्लर पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा ब्रश वाला ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आप लोग को उसी पे क्लिक कर देना है। ब्रश पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ब्रश पे आप लोग क्लिक करेंगे फ्रेंड तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए आपको दिखाते हैं नीचे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लेंस ब्लर को जब भी आप लोग फेस को स्मूथ कीजिएगा फ्रेंड तो 100 करके स्मूथ कीजिएगा, ठीक है। एक आई का ऑप्शन है फ्रेंड बगल में, देखिए आपको दिखाते हैं। आई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा जब भी आप लोग फेस को स्मूथ कीजिएगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपली हम लोग फोटो को जूम कर लेंगे और आप लोग अच्छे से फेस को स्मूथ कीजिएगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है भाई। अगर देखिए आप लोग आई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आप लोग को पता नहीं चलेगा फ्रेंड हमारा ब्रश कहाँ जा रहा है, हम अपने फेस पे किधर चला रहे हैं ब्रश को। अगर आप लोग को पता करना है फ्रेंड कहाँ कहाँ हमारा ब्रश जा रहा है, तो सिंपली आप लोग को आई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो अभी आप लोग का दिखेगा फ्रेंड कहाँ हम अपने फेस को स्मूथ कर रहे हैं। तो सिंपली फ्रेंड देखिए कुछ इस तरीके से अच्छे से आप लोग अपने फेस को स्मूथ कीजिएगा। देखिए फ्रेंड फोटो को जूम करके जितना हो सके फ्रेंड आप लोग अपने फोटो को जूम करके फेस को स्मूथ कीजिएगा, ताकि जितना ही आप लोग अच्छे से फेस को स्मूथ करेंगे उतना ही अच्छे से आप लोग फोटो अपना एडिट कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड जब भी मैं कहता हूँ ना फ्रेंड, जब भी आप लोग अपने फोटो को बनाइए किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, तो उस पर ज़्यादा से कम 10 मिनट फोकस कीजिए, तो अभी आप लोग का फोटो अच्छे से स्मूथ होगा एंड एडिट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सिंपल में इतना करना, फोटो को जूम कर लेंगे। और जब भी आप लोग कान पे ब्रश को चलाइएगा तो 50 पे करके चलाइएगा, ताकि एक ही लेवल में नहीं हो। देखिए आपको 100 करके दिखा रहे हैं फ्रेंड, तो एक ही में हम लोग का कान मिक्स हो जा रहा है। तो 50 करके आप लोग अपने कान पे चला लीजिएगा। तो फिर चलिए फ्रेंड वीडियो को फास्ट कर देते हैं, आप लोग अच्छे से कीजिएगा फ्रेंड। चलिए हम वीडियो को फास्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग अपने फेस को स्मूथ कर चुके हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। देखिए फिर आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए फिर शेयर कर लेते हैं पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर।
तो फिर हम लोग शेयर कर चुके हैं पिक शॉट एप्लीकेशन के अंदर, आप लोग भी शेयर कर लीजिएगा। शेयर करना सिंपली हम लोग को ऐड फोटो पे जाना फ्रेंड, पूरा वीडियो आज कीजिएगा फ्रेंड, तभी आप लोग सीख पाएंगे मेरे जैसा एडिटिंग। जो जो मैं पीएनजी यूज किया हूँ फ्रेंड, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जा करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंपली हम लोग को ऐड फोटो पे क्लिक कर देना है, ऐड फोटो पे क्लिक करना सिंपली हम लोग को रिसेंट पे क्लिक कर देना है, गैलरी पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड, गैलरी पे क्लिक करना सिंपली हम लोग को एल्बम में आ जाना है और ऑल फोटो में क्लिक कर देंगे फ्रेंड, जो हमारे पास पीएनजी फ्रेंड अभी आप लोग को ऐड करके दिखाता है फ्रेंड। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और अच्छे से वॉच कीजिएगा फ्रेंड, तभी आप लोग सीख पाएंगे। जो जो मैं पीएनजी यूज कर रहा हूँ फ्रेंड, वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंपली फ्रेंड देखिए हम लोग का पीएनजी मिल गया है, सिंपली आप लोग पीएनजी पे क्लिक कर दीजिएगा और सिंपली कॉर्नर में देखिए फ्रेंड ऐड वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप लोग पीएनजी को ऐड कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से ऐड करना, सिंपली हम लोग को फेस पे अच्छे से एडजस्ट करना है, ठीक है भाई, अच्छे से एडजस्ट करना है। अगर आप लोग अच्छा नहीं दिख रहा फ्रेंड, तो आप लोग यहाँ से ओपेसिटी को कम बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है भाई। तो कुछ तरीके से ओपेसिटी को फ्रेंड कुछ तरीके से 86 रखिएगा आप लोग अपने फोटो के हिसाब से। इतना करने हम लोग डन कर देंगे, डन करने सिंपली फ्रेंड देखिए हम लोग को इधर इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, देखिए आपको दिखाते हैं। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, जैसे आप लोग इफेक्ट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो सिंपली फ्रेंड देखिए हम लोग को BSW पे क्लिक करना है, देखिए आपको दिखाते हैं फ्रेंड BSW, उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। उस पर आप लोग क्लिक करेंगे फ्रेंड तो देखिए फिर से हम लोग का कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली फ्रेंड देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन पे BSW, उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। उस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड तो देखिए हम लोग का फेस ब्लैक हो गया, ब्लैक वाला, ब्लैक व्हाइट, ठीक है भाई। तो सिंपली हम लोग को ऊपर देखिए फ्रेंड एक इरेजर वाला ऑप्शन है, उस पर हम लोग को क्लिक कर देना है। उस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड यहाँ बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग को बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ठीक है मेरे भाई, बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो देखिए ऑटोमेटिक पीछे का हम लोग का बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा और हम लोग का ब्लैक व्हाइट फेस नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है फ्रेंड, फोटो को जूम कर लेना है। फोटो को जूम करना है, सिंपली आप लोग को देखिए ब्रश को चलाना है अच्छे से अपने फेस के ऊपर। देखिए एक बार फिर से दिखाते हैं फ्रेंड, यहाँ से आप लोग इरेज करना चाहते होंगे, अगर आप लोग इरेज करना चाहते हैं फ्रेंड तो देखिए इरेजर वाला ऑप्शन है, इधर आपको दिखाते हैं फ्रेंड इरेजर वाला ऑप्शन है, उस पर आप लोग क्लिक करके इरेज कर सकते हैं अगर मान लीजिए इधर आ जाए तो। तो सिंपली आप लोग रिस्टोर पे क्लिक करके और फेस पे चलाना है अच्छे से, ठीक है भाई, जिस तरीके से हम चला रहे हैं फ्रेंड उसी तरीके से आप लोग भी अच्छे से चला लीजिएगा। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा हमारा फोटो दिख रहा है, इसीलिए कहते हैं फ्रेंड पूरा वीडियो वॉच कीजिए तभी आप लोग मेरे जैसा एडिटिंग सीख पाएंगे। तो फिर आप लोग को क्या करना है, अच्छे से फेस पे चला लेना है। तो फिर आशा करते हैं फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग रहता से वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। आप लोग कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा फ्रेंड, अच्छे से आप लोग चला लीजिएगा। तो सिंपल फ्रेंड आप लोग एडिट कर चुके हैं, आशा करते हैं फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग रहता से वीडियो डालता आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड।